आप लोगों से मैं अनुरोध किया कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं उसको हम लोग एक ड्रेस में देखना चाहते हैं। यहाँ सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी गई है, फिर भी हमारे बच्चे एक ड्रेस में दिखाई नहीं देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं, मेरा विद्यालय परिवार चाहता है कि बच्चे एक ड्रेस में आवें तो स्कूल का वातावरण, स्कूल अच्छा दिखेगा, बच्चे एक समान दिखाई देंगे। तो सर, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा दिए बात के लिए। जैसे मान लीजिए बच्चों को जो भी मिलता है वो पर्याप्त नहीं, अगर मान लीजिए स्कूल से नहीं मिलता तो क्या बच्चे कपड़े नहीं पहनते ना? तो उसी चीज़ को केवल अपनी तरफ से थोड़ा सा अगर इनिशिएट करेंगे तो ज़रूर हो सकता है। सर, हमको बोले कि अपने बच्चे को ड्रेस में भेजिए, तो हमने अपने घर गया और अपने परिवार में बात किया कि बच्चे दो तीन हैं, अपना पढ़ रहा है। सो सबको सर बोले हैं ड्रेस पहनाने के लिए। हमारी वाइफ बोली, पिताजी बोले, माँ बोले कि भाई ड्रेस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, जो पुराना कपड़ा है वो पहन के जाएगा, सर जी पढ़ाएंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे तो भी ठीक है। आपने बोला, ये बात हम समझते हैं, बहुत गरीब घर के लोग यहाँ आते हैं तो उनको सही बात है, जो बहुत ऐसे भी गरीब परिवार के लोग हैं जिनको खाने का नहीं मिल पाता है दो वक्त की रोटी। लेकिन हमको ये थोड़ा सा लगता है, आप अपने मम्मी पापा को, अपने माँ बाप को समझा सकते हैं ना? जैसे ड्रेस के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, अगर थोड़ा सा उसमें अगर इम्प्रूवमेंट, जैसे अध्यक्ष महोदय से हम अनुरोध करेंगे जो ये भी कम से कम, अगर जो ऐसा फैमिली, ऐसा परिवार जिसके यहाँ नहीं हो पाता है, हम लोग भी मदद कर सकते हैं उसके लिए, अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होकर, थोड़ा सा अगर हल्का भी मदद हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा चीज़ होगा वो भी हो सकता है। सर लोग कह रहे हैं तो हम बच्चे को यूनिफॉर्म, बैग जितने हैं उसके सब सामान अवेलेबल कराएंगे, और दो रोटी हम बेशक कम खाएंगे एक टाइम, लेकिन बच्चे को यूनिफॉर्म के साथ स्कूल भेजेंगे। और हमारे बगल में जो पड़ोस के है उसके बच्चे को भी, उसके गार्जियन के अभिभावक को भी समझाएंगे और स्कूल भिजवाएंगे। मीटिंग में जाते हैं तो ड्रेस का भी चर्चा चलता है, और जैसे स्कूल में क्या क्या चीज़ कमी है उन चीज़ों पर भी मुद्दा पर बात वहाँ पर चलता है। गांव वाले के भागीदारी बहुत अच्छा तरीक़ा से रहता है, गांव वाले का भी सहयोग रहता है, टीचर का भी सहयोग मिलते रहता है, और गांव वाले भी चाहते हैं जो हमारे बच्चे अच्छा से मतलब स्कूल जाए, साफ सुथरा जाए और अच्छा से पढ़े लिखे। देखिए, ये जो प्रोसेस है एक तरह से हम अगर केवल सोचे तो संभव नहीं था, क्योंकि बच्चे गार्जियन समुदाय से आते हैं, गार्जियन ही उसको भेजते हैं, तो इसके लिए गार्जियन का समुदाय की सहभागिता बहुत ज़रूरत था इसके लिए, और अगर जब तक वो लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं लेते तो संभव नहीं हो पाता। स्कूल का शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो स्कूल में 6 घंटा पढ़ाते हैं, और वो कितनों अच्छा से पढ़ा देंगे, जब तक गार्जियन का सहयोग शिक्षक के साथ नहीं होगा तो गार्जियन जो है बच्चे की कमी को शिक्षक के सामने पेश करेंगे, बताएंगे, शिक्षक देखेंगे कि आखिर इस कमी को कैसे पूर्ति की जा सकती है। कल जो है स्कूल में शिक्षक अभिभावक मीटिंग है, ठीक ना? तो आ जाइएगा 9 बजे में। लेना चाहते हैं कि आप लोग कोई अच्छा ऐसा तरकीब बताइए कि आपके बच्चा को और अच्छे से ढाला जा सके।
मेरा सुझाव है कि आप अपने बच्चों के ऊपर हर तरह से माँ हैं और अपने आसपास की महिलाओं को भी इस तरह से प्रेरित कीजिए कि अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। आप सबके सहमति से यह भी प्रस्ताव पारित हुआ है कि हाँ बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें कि बच्चे की जो भी उपलब्धि रहेगी उसको उस पर लगाया जाए और जो बच्चा अच्छा किया है उसको प्रोत्साहन मिले। समुदाय की सहभागिता के लिए शिक्षक अभिभावक मीटिंग होता है, उसका आयोजन करती हूँ। कभी कभी बच्चे को पहुँचाने के लिए उसके माता पिता आते हैं तो उससे उनसे भी बातचीत करती हूँ। तो इस तरह से समुदाय के लोगों का जुड़ाव विद्यालय के प्रति होता है और किसी भी कार्य में वो सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। समुदाय की सहभागिता स्कूल को ऐसे बेहतर बना सकते हैं कि जब उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं तो वो अच्छे ढंग से रुचि दिखाएंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चा अच्छा से पढ़े और अच्छे जगह पढ़े। इसमें करना यही है कि जितने अधिक से अधिक हों हमको समुदाय के लोगों को विद्यालय से जोड़ना पड़ेगा। हम लोगों का वो आर्थिक भी सहयोग वो लोग करते हैं और वैसे भी जिस तरह का भी हम लोग सहयोग उनसे चाहते हैं, किसी कार्यक्रम का आयोजन करना हो तो उसमें, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में यदि किसी तरह का सहयोग चाहिए तो उसमें, जैसे विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा का लगाने के लिए उसमें हम लोगों को पैसे की आवश्यकता थी तो वो हुआ। विद्यालय के रख रखाव में बच्चों को जो है प्रयास करते हैं कि बच्चा पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो उसके गार्जियन से कहा जाता है, मिलते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कम से कम अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा समय दीजिए। स्कूल के विकास के लिए समुदाय का सहयोग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ उसी समुदाय के बच्चे आते हैं और वो बच्चे विद्यालय में तो बस 6 घंटा ही रहते हैं, बाकी समय वो अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। ये जगह जो है यहाँ हम लोगों के समय में इस गाँव से 1-2 बच्चा स्कूल जाते थे, लेकिन अभी के समय में मेहनत करने के बाद लगभग कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि स्कूल नहीं जाता है। तो इसके लिए गार्जियन का समुदाय की सहभागिता बहुत ज़रूरत था इसके लिए, और अगर जब तक वो लोग पॉजिटिव रिस्पांस नहीं लेते तो संभव नहीं हो पाता, इसलिए उन लोगों के पास जाना पड़ा, उन लोगों से मिलना पड़ा और इसका रिजल्ट मिला, दिखा हम लोगों को।